अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप इस्लामिक SMS पर। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि इस जनाजे के अंदर जिन्नातों ने शिरकत की है। नाज़रीन इकराम, ये वाक़िया पेश आया है देवबंद की सरजमीन पर, जो अल्लाह वालों की सरजमीन है। अभी करीब ही में हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए थे, जो दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के सीनियर और बड़े उस्ताद थे। इल्मी घराने से उनका ताल्लुक़ था। नाज़रीन इकराम, उनके जनाजे की ये वीडियो है जिसके अंदर जिन्नातों ने भी शिरकत की है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ख़ास बात इस वीडियो के अंदर ये है कि जब आप देखेंगे ध्यान से, तो जनाजे में शरीक होने वाले अफराद जब जनाजे को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ लंबा करते हैं, लेकिन जनाजे से दूरी काफ़ी है, फिर भी आप देखेंगे कि उनके हाथ लंबे होते हुए चले जाते हैं और जनाजे से जाकर टच हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, यह अजीब सा मंजर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि इसकी क्या हकीकत है, लेकिन अगर ऐसा वाकया पेश आया है कि जनाजे में जिन्नात अगर शरीक हुए हैं, तो अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं है। जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नातों को ही इबादत का मुकल्लफ किया है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी पैदाइश का मकसद ही यही बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा वाक़िया पेश आता है तो ये कोई अचंभे और कोई अजीब सी बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक ताला का निज़ाम है। अल्लाह तबारक ताला जब चाहे अपने करिश्मों को और मौजिज़ों को जाहिर करते रहते हैं। आपके इस वीडियो पर और इस वाक़े पर क्या कहना है, कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो पर कोई तहकीक हो तो कमेंट के अंदर अपनी तहकीक ज़रूर पेश करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाह।